West Bengal, a place known for its rich history, culture, and intellect. But there is no denial for one thing, and that is the people and their love for food. Yes, West Bengal or Kolkata, कहीं भी पूरे वेस्ट बंगाल में, इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच स्ट्रीट फूड एंड ऑल वेराइटीज़ ऑफ फूड. मतलब इतना खाना है वहाँ पे, इतना खाना है कि आप पूरा अपना ब्लॉगिंग और यूट्यूब करियर सेटल कर सकते हो ओनली इन दैट वन प्लेस. एंड वहीं से एक डिश मैं आज आपसे शेयर करने आया हूँ, एंड दैट इज़ अगेन अ डिश दैट इज़ रियली वेरी ईजी, वेरी बेसिक. आपको सुन के लगेगा, इवन देख के भी लगेगा कि वॉट एम आई डूइंग हियर, बट ट्रस्ट मी दैट डिश इज़ सो पॉपुलर देयर कि किसी भी बंगाली हाउस होल्ड में, स्पेशली जो कोलकाता या वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द स्टेट, वो एक डिश जो है वो ज़रूर, मतलब वो एक स्नैक जो है, आई वोंट कॉल इट अ डिश, बट वो एक जो स्नैक है वो हर शाम को हर बंगाली फैमिली में आता ही आता है. एंड इफ़ यू हैपन टू नो अबाउट वॉट एम आई टॉकिंग ऑफ, देन येस यू आर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट आलू चॉप टूडे. तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके लेट्स गेट टू द बिजनेस. एंड अगेन इट्स अ रियली रियली ईजी रेसिपी. सो हेलो एंड वेलकम टू वॉन्डर क्रस्ट. आज बनाते हैं आलू चॉप. सो एज आई सेड, आलू चॉप इज बेसिकली आलू का पकौड़ा, और पकौड़े बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बेसन. सो सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन. अबाउट 1-1.5 कप ऑफ बेसन. और बेसन में हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन, और इसका बना लेंगे बैटर जैसे नॉर्मल पकौड़ों में जैसे बनता है. मिक्स इट टू अ सिल्की बैटर, सिल्की स्मूथ बैटर, नॉट टू रनी, नॉट टू थिक, ठीक है? ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है. सी दिस मच, ग्रेट. चलिए बैटर इज़ रेडी, एंड व्हाट्स नेक्स्ट इज़ कि हमको तैयार करना है मसाला. उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले विल टेक अ कढ़ाई. कढ़ाई में डालेंगे तेल, चलिए नाउ द ऑयल इज नाइस एंड हॉट, इन गोज आवर पीनट्स. कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में, व्हेन आई गो टू माय होम टाउन, मतलब व्हेन एवर आई गो टू माय होम टाउन, देर आर सम सेट फूड दैट यू नीड टू ईट एंटायर योर डे रूटीन. सो सबसे पहले वहाँ पे दिन की शुरुआत होती है जलेबी और कोचूड़ी से. कोचूड़ी इज बेसिकली कचौड़ी. एंड चलिए नाउ द पीनट्स आर डन. पहले पीनट्स निकाल लेते हैं, कहीं जल ना जाए. चलिए नाउ सो द पीनट्स आर डन. नेक्स्ट कम्स आर द प्रिपरेशन फॉर द मसाला, द आलू मसाला. फॉर दैट अगेन अ पैन, पैन में थोड़ा सा तेल, दैट्स इट. तेल में जाएगा जीरा, जीरा के बाद जाएगा चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जो कि शायद ठीक से चॉप हो नहीं पाई है, नेवर माइंड. देन गोज आर चॉप्ड जिंजर, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा चलाएंगे इसे, और इसमें डाल देंगे अपना आलू. दिस इज आवर मैश्ड बॉइल्ड पोटैटोज, नाइस. इसको मिलाएंगे अच्छे से. एंड एट दिस मोमेंट इस पर ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड पीनट्स. That's it. इसको निकाल लेते हैं अब.
इसको थोड़ा सा और मैश कर लेंगे, लेट इट कूल डाउन, उसके बाद थोड़ा सा और इसको मैश कर लेंगे हाथों से ही। चलिए जब तक ये ठंडा होता है लेट मी कंप्लीट वेयर आई लेफ्ट माय स्टोरी। सो वेस्ट बंगाल में देयर इज अ सेट रूटीन फॉर योर नाश्ता, ब्रेकफास्ट एंड शाम का जो इवनिंग टी स्नैक्स होता है। तो सुबह होता है कोचूड़ी एंड जलेबी, एंड वहाँ की जलेबी भी थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्थ। सो वो जलेबी एंड कोचूड़ी इज अगेन कचौड़ी दैट आई वाज सेइंग, कचौड़ी भी डिफरेंट होती है। यहाँ पे खस्ता कचौड़ी होती है, वहाँ पे सॉफ्ट कचौड़ी होती है। एंड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट शायद उसे राधा वल्लभी कहते हैं शायद, या कोचूड़ी ही कहते हैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन राधा वल्लभी और कोचूड़ी, मे बी, डोंट कोट मी ऑन दैट, आई विल रिसर्च इट, एंड क्यों ना एक दिन बनाते भी हैं फिर। सो दैट इज डन फॉर योर ब्रेकफास्ट, एंड देन कम्स योर इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में कुछ होना हो, चॉप तो 100% होता ही है, चॉप और मूढ़ी। मूढ़ी इज पफ्ड राइस, उसको मूढ़ी कहते हैं। सो चॉप और मूढ़ी तो ज़रूर होगा ही होगा 100%। एंड देन यू हैव अ होल लॉट ऑफ मल्टीपल क्विजीन लाइक चाइनीज, दिस दैट, मुगलाई एंड रोल्स, अ होल लॉट ऑफ काठी रोल्स, एंड लाइफ इज रियली रियली गुड इफ यू लव टू ईट। चलिए शायद ये ठंडा हो चुका है अब, या हैंडल करने लायक हो गया। क्या करेंगे, इसकी बना लेंगे आलू की टिक्की टाइप, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। चलिए अब नेक्स्ट हम कर लेंगे अपने कढ़ाई में तेल को गरम, ठीक है, लेट इट, और एंड अगेन हमारी प्रोडक्शन लाइन, इसमें टिक्की जाएगी बैटर में, बैटर से देन अगेन वो चॉप जाएगा सीधा तेल में। ओके चलिए, चॉप गया हमारा बैटर में, ठीक है, सो कर लेंगे कोट, ये सीधा जाएगा इनटू द ऑयल। सी डन, अब बाकी आलू चॉप्स को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चलिए दिस वॉज द लास्ट वन, ये भी हो गया, तो चलो अब प्लेट करते हैं। सो देयर यू गो, and you have your aloo chop, have it with some murmura, puffed rice, and trust me you won't regret it. So see how easy it was, how quick it was, and even this could be a dish for your guest who just come over without letting you know that they are coming. I might not say this but yeah, this is so quick that kabhi bhi koi bhi guest aa raha ho to you don't have to worry about ki what you need to serve them or what you have to serve them. Just get your potatoes, get some peanuts, नॉर्मल मसाला तो घर पे होता ही है, एंड बेसन, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 to 15 minutes. प्लीज़ डू ट्राई इट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। ऑल्सो इफ यू हैपन टू लाइक दिस डिश, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अस इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए डिश के साथ, अंटिल देन कीप वॉन्डरिंग एंड कीप ट्रस्टिंग। थैंक यू।